हेलो गाइस, इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में इस घर की पाइपिंग करना है दीवार काट के, तो हम इसको काट के अंडरग्राउंड पाइप डालेंगे। तो आपको कौन सी मशीन यूज करना है और कौन सी ब्लेड यूज करनी है, कौन सी मशीन आसान होती है काटने में, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप 4 इंच ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको मतलब उसका गहराई कम हो जाता है, और 5 इंच का करेंगे तो उसकी भी गहराई बहुत मतलब नॉर्मल होती है, लेकिन 6 इंच का ब्लेड यूज करेंगे तो कम से कम मतलब 2 आधा इंच बचेगा उसमें पाइप डालने के बाद। तो 6 इंच का अगर ब्लेड आप यूज कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा होगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बोर्ड कहाँ पे लगाएंगे, पहले उसको मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम बोर्ड लगाएंगे। इस रूम की वायरिंग करने वाले हैं, दीवार काटने वाले हैं, तो यहाँ देखिए दरवाजे के बगल में हमने 12 मॉडल का मार्किंग किया है। तो यहाँ पे हमेशा 12 मॉडल ही रहेगा, स्विच और फैन का हमेशा बाएं साइड में रहता है। और यहाँ देखिए इस कमरे में एक मैंने पावर बोर्ड दिया है, चाहे तो आप इसको स्विच बोर्ड बेड स्विच में इस्तेमाल कर सकते हैं या कूलर चला सकते हैं, जो भी चलाएंगे। मैंने एक पावर बोर्ड यहाँ पे देना है 5 फुट की दूरी पे नीचे से। और ये देखिए दीवार कट गई है, तो यहाँ तक मैंने 5 फीट की दूरी बनाई है ज़मीन से, तो 5 फीट पे हम इसको बोर्ड देंगे। और हमारे घर का देखिए पूरा इस घर की हम वायरिंग कर रहे हैं। ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर तो अभी नीचे मैंने काट दिया है, हमें वीडियो में लास्ट को दिखाएंगे उसमें कैसे कैसे पाइपिंग किए हैं। तो दीवार कट रही है हमारी, मैंने बरामदे में पूरा पाइप उतारा है मेन, यहाँ MCB बॉक्स लगेगा, 6 फीट पे MCB बॉक्स लगेगा यहाँ नीचे से, तो हम कॉर्नर पे 6 फीट पे MCB बॉक्स देंगे। ये देखिए घर कितना बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा घर है। तो आइए देखते हैं कितना बड़ा घर है। पहले हम सीढ़ी पे देखेंगे कि सीढ़ी पे कहाँ पे लाइट देनी है, सीढ़ी की वायरिंग कैसे करते हैं। यहाँ देखिए सीढ़ी पे जब चढ़ना स्टार्ट होता है तो सीढ़ी के बगल में लाइट दिया जाता है ज़मीन से कम 4 फुट की दूरी पे। तो मैंने ये देखिए सीढ़ी एक मेन पाइप उतारा है और एक पाइप यहाँ ऊपर है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 फुट की दूरी पर यहाँ ज़मीन से सीढ़ी से यहाँ पे एक बोर्ड लगाएंगे ताकि आसानी हो सीढ़ी में। आइए हम इस रूम में इंटर करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे बोर्ड देना है। तो ये हमारा दरवाज़ा हो गया, इस साइड खुलेगा दीवार की तरफ, और यहाँ पे दरवाजे के दीवार की तरफ हमको एक TV का बोर्ड देना है 6 मॉडल। यहाँ पे देखिए 5 फीट की दूरी पे हमने 6 मॉडल का बोर्ड देना है, और दरवाजे के साइड में यहाँ में 12 मॉडल का बोर्ड देना है, जो पाइप उतरी है सेम। देखिए दीवार, अगर छत में पाइप अच्छी डाली रहेगी तो ज़्यादा काटना नहीं होता है, अगर गलत पाइप उतरा है तो बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे दीवार कटती है। हमने दीवार में लगाया है 6 इंच का ब्लेड और 5 इंच की मशीन है, जो कभी ख़राब नहीं हुई आज तक, मैं 2 साल से चला रहा हूँ, सिर्फ इसका बटन ख़राब हुआ है, बाकी काटने में तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है दीवार काटने में। अगर आपको लेनी है तो कम से कम ये आएगा 2600-2700 को आएगा लमसम, और इसकी ब्लेड 200 पे आती है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और इसको काटने में बिल्कुल आसानी होती है, और प्रेशर तो बिल्कुल इस पर नहीं रहता, ना तो झटकती है ना ही कुछ करती है, एकदम आराम से कटती है, बहुत आसानी से कट जाती है दीवार। ये देखिए ये 1 इंच की पाइप लगाने के बाद भी 1/2 इंच गैप रहता है, जो मसाला आसानी से पकड़ता है। ये देखिए पूरी दीवार देखिए कितना एक सीधी रेखा में काटता है, और बहुत बढ़िया कटा हुआ है। तो हम मशीन के बारे में बताने वाले हैं, बहुत बढ़िया मशीन है, 5 इंच की मशीन है। ये देखिए ब्लेड पूरी 6 इंच की है, और 2700 इसकी प्राइस है, 2700 को मैंने ख़रीदा था, और बहुत बढ़िया है इसकी, 1200 वाट की है, RPM भी काफ़ी ज़्यादा है, 8500 प्रति मिनट। तो मशीन तो बहुत लाजवाब है इसकी,
तो आइए हम इसे टेस्ट करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं कैसे चलता है मशीन। तो मशीन को आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हैं, 6 इंच से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से तोड़ना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है। अगर आप छेनी को लगाओगे तो तुरंत ही गिर जाता है, इतना बढ़िया काटता है मशीन। मशीन तो ज़्यादा कीमत नहीं है, और एक 1500 की आती है, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। मतलब 10 फीट काटोगे ना पूरी गर्म होने लगती है, और उसको काटना मतलब मशीन को लेना बेकार ही है। ये देखिए इसकी आरपीएम बहुत, मतलब बहुत स्पीड है इसमें, बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। देखिए काफ़ी ज़्यादा पावर है इसकी, धूल उड़ा रही है और गर्म भी नहीं होती। देखिए ये देखिए, पाँच इंच की मशीन है, काफ़ी हैवी है। मैंने 1 साल तो ऐसे ही रख रखा था, चलाया नहीं था, पर जब इसको मज़ा आने लगा तो मैं यही चलाता हूँ। छोटी वाली 4 इंच की मशीन मैंने बंद कर दिया। ये देखिए हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, तो हमने इसमें पाइपिंग कर रखी है। ये देखिए नीचे लगा हुआ है फुट लैम्प का 4 मॉडल। और ये है हमारा एमसीबी बॉक्स लगा, सेम सिस्टम वहाँ पे भी होगा ऊपर वाले फ्लोर में। वहाँ पे एक मैंने फुट लैंप दे रखा है, ऊपर एक होल्डर है, यहाँ पे 12 मॉडल है, और उसके नीचे ये हमारा 4 मॉडल है लाइट के लिए, और एक होल्डर है। तो ऐसे ही सेम वायरिंग वहाँ पे भी होगा। ये सीढ़ी का लाइट है हमने दे रखा है, और ये हमारा डिब्बी का लाइट है बारजे का, तो हमने बारजे का लाइट दे चुका है। देखिए एक दो रूम प्लास्टर हुआ है हमारा, वहाँ पे डिब्बी है, यहाँ पे मैंने बोर्ड दे दिया है, ये 6 मॉडल है टीवी का, और वहाँ डिब्बी है, और इधर 3 मॉडल मैंने लगाया है इस साइड। यहाँ देखिए डायरेक्ट आया 3 मॉडल।